हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 50 क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा जो कंटेन करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस और वन मार्क वाले सारे क्वेश्चन। जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होंगे उसके मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, मैं तो सिर्फ क्वेश्चनों को आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दूंगा। अगर आप बच्चों को ये वीडियो हमारा पसंद आएगा तो आगे इसके और भी मैं आपके लेक्चर्स बना दूंगा। पहली बार इसके 50 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या इन्फॉर्मेटिव लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। इसका अगला पार्ट या और बहुत सारे पार्ट में लेके आऊंगा जरूर। तो चलिए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन कहता है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। मतलब 196 के पहले फैक्टर निकालिए, उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में रखिए और जितने भी एक्सपोनेंट है उनका सम बताइए। तो चलो सबसे पहले इस 196 के फैक्टर निकालते हैं। तो 29 जा 18 और 28 जा 16, फिर आया ये 24 जा 8, 29 जा 18 और 77 जा 49। तो 196 के अगर प्राइम फैक्टर करूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा 2 की पावर 2 × 7 की पावर 2। अब हमसे कह रहा है द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट मतलब ये जो पावर है इनका सम कितना है। तो लिखा मैंने सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, बिल्कुल प्रॉपरली स्टेप लिखकर एक्सपोनेंट्स इज इक्वल टू, पावर कितनी है 2 + 2, एक्सपोनेंट को ही पावर बोलते हैं आप, 2 + 2 = 4। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज। अब इस पॉलिनोमियल के जीरोज बताने, जीरोज का सिंपल सा मतलब होता है एक्स का वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर मौजूद है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन जीरोज निकालने के लिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर ही रखना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या तो स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म कर सकते हैं या फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर इसके इस पार्ट को देखा जाए तो इसका स्प्लिट होना तो इम्पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे और एक्स का वैल्यू निकालेंगे। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिखिए, वो क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मैं जीरो इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जीरोज निकालने हैं, जीरोज निकालने के लिए पॉलिनोमियल इक्वेशन को जीरो के बराबर रखकर ही आप सॉल्व कर सकते हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए है, यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है, एक्स का कोफिशियंट बी है, यहां एक्स का कोफिशियंट आपके पास -3 है, सी वाला टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बोला जाता है, जिसके साथ एक्स मौजूद ना हो। तो चेक करो आपकी इक्वेशन में इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला टर्म कौन सा है, -m m + 3। अब जिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूं उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू -b + -√b² - 4ac / 2a। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू -b, तो माइनस और b का वैल्यू ऑलरेडी एक -3 है, +√b² मतलब -3 का स्क्वायर b² -4 × a × c, a इज 1 एंड व्हाट इज c, c हो गया -m m + 3, तो एक माइनस और है तो प्लस हो गया यहां पर, तो m और m प्लस 3 होल अपॉन 2 × a की वैल्यू 1। नेक्स्ट स्टेप देखिए, x इज इक्वल टू 3, फिर +√ कितना आएगा 9 प्लस ये आ गया आपके पास 4m और m प्लस 3 होल अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो x इज इक्वल टू 3 +√ ओपन करिए, तो 9 प्लस 4m को पहले m से मल्टीप्लाई कीजिए 4m² और फिर 4m को 3 से कीजिए, तो ये हो गया 12m होल अपॉन 2। अब ये ध्यान रखो ये जो रूट के अंदर का टर्म है ये पक्की बात होल स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। किस तरह से बन रहा है आइए वो ट्रिक बताता हूं। √ चेक करो, ये 9 को लिख दिया मैंने 3 का स्क्वायर, 4m² है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2m का होल स्क्वायर, और चेक करो ये बना a² ये बना b², तो कहीं ये 2ab वाला टर्म तो नहीं है, चेक कर लेते हैं, 2 a की जगह आ गया 3 और b की जगह आ गया 2m, तो चेक करो 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12m, लिखा 12m ही है, इसका मतलब ये जो 12m है वो एक्चुअल में आइडेंटिटी का 2ab वाला टर्म है, मतलब a² + b² + 2ab, और फॉर्मूला क्या होता है इसका a + b का होल स्क्वायर अपॉन 2।
नेक्स्ट स्टेप देखिए, एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, जरा ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ना, तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर और होल अपॉन का टू एज इट इज. नेक्स्ट स्टेप देखिए, एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस माइनस, अब रूट भी लग रहा है और स्क्वायर भी लग रहा है, तो नियम क्या कहता है, रूट भी गया और स्क्वायर भी गया, तो कितना आ गया, थ्री प्लस टू एम और होल के नीचे टू. अब ये प्लस माइनस जो हमने लिखा था, इसका मतलब ये होता है कि आपको दो केस लेने पड़ेंगे, एक केस वन जिसमें आप प्लस वाली क्वांटिटी सॉल्व करेंगे और एक लेंगे केस टू जिसमें आप नेगेटिव वाली क्वांटिटी सॉल्व करेंगे. तो एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस थ्री प्लस टू एम होल के नीचे टू, और यहां एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस, जैसे माइनस लगाएंगे एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और अंदर क्या आएगा, थ्री प्लस टू एम होल डिवाइडेड बाय टू. तो x इज इक्वल टू चेक करिए कितना आ गया, थ्री प्लस थ्री सिक्स प्लस टू एम होल डिवाइडेड बाय टू. अब ऊपर से टू कॉमन लीजिए, तो x इज इक्वल टू टू कॉमन आ गया, ये आ गया थ्री प्लस एम होल डिवाइडेड बाय टू, टू से टू कैंसिल हो गया, तो एक x का वैल्यू आ रहा है आपके पास थ्री प्लस एम. चलिए यहां आइए, तो x इज इक्वल टू थ्री, क्योंकि माइनस लग रहा है ब्रैकेट के आगे तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो माइनस का थ्री माइनस का टू एम होल अपॉन टू, माइनस थ्री से प्लस थ्री चला गया, तो x इज इक्वल टू माइनस का टू एम अपॉन टू, फिर ये टू से टू भी चला गया और x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का m. हमसे क्वेश्चन में क्या मांगा था कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज का मतलब होता है x का वैल्यू, तो आपके पास दो जीरोज कौन कौन से आ गए, वो आपके पास आ गए थ्री प्लस एम और माइनस एम. क्वेश्चन फिनिश हुआ. चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ k निकालना है फॉर विच द लीनियर इक्वेशन, दो आपको इक्वेशन दी है, इज इनकंसिस्टेंट. तो थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं, दो तरह के सोल्यूशन होते हैं, एक होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट. अब कंसिस्टेंट के अंदर दो अलग अलग केस आते हैं, एक तो आता है आपका यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन आपका कंसिस्टेंट होता है, और दूसरा होता है आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन. ये दोनों के दोनों सोल्यूशन आपके कंसिस्टेंट होते हैं, जिसमें आपके पास एक कोई वैल्यू आएगा, और जो एक इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन है उसमें एक ही केस आता है जो कि है नो सोल्यूशन का. तो यहां क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे नो सोल्यूशन ना कहकर उसने इनकंसिस्टेंट बोला है, मतलब इनकंसिस्टेंट का मतलब आपको नो सोल्यूशन सॉल्व करना है. अब नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, वो होती है ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू. अब इस इक्वेशन से मुझे ए वन बी वन सी वन ढूंढना है. एक चीज का ध्यान रखना, पहली इक्वेशन में इक्वल टू थ्री है जबकि दूसरी इक्वेशन में इक्वल टू जीरो है. या तो दोनों इक्वेशंस को इक्वल के बराबर वाले कंडीशन में लो, या दोनों को जीरो के बराबर कंडीशन में लो, एक अलग तरह से दी है और एक अलग तरह से, ये गलती हो जाएगी. तो मैं हर इक्वेशन में हमेशा इक्वल टू में कॉन्स्टेंट नंबर रखता हूं, तो यहां पहले मैं इक्वेशन में माइनस सेवन रखूंगा उधर, उसके बाद इसे सॉल्व करूंगा. तो पहली इक्वेशन तो एज इट इज लिख दी, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री, और दूसरी क्वेश्चन लिखी मैंने 5x प्लस के वाई इज इक्वल टू माइनस सेवन. ठीक है, इस फॉर्म में क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. अब ध्यान रखना, ए वन बी वन सी वन क्या होता है, पहली क्वेश्चन ये लिखी है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन, और ये लिखी हुई है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई और इज इक्वल टू सी टू. तो ए वन क्या हो गया वन, बी वन क्या हो गया टू, सी वन क्या हो गया थ्री, ए टू हो गया फाइव, b2 हो गया k और c2 हो गया माइनस सेवन. इस कंडीशन में डाल दीजिए, तो a1 वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू. लेकिन क्योंकि नॉट इक्वल टू तो वैसे भी हमें सॉल्व नहीं करना होता, तो ध्यान रखो सिर्फ इतना ही हिस्सा सॉल्व करना है नो सॉल्यूशन में. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो वन इंटू के इज k और टू फाइव सा टेन. तो हमारे पास यहाँ k का वैल्यू कितना आ गया, हमारे पास k का वैल्यू 10 आ गया फॉर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन. क्वेश्चन फिनिश हुआ. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी हुई है r. तो पक्की बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की पावर 2 है, तो दो ही रूट आएंगे. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस का जाके उधर हो जाएगा पॉजिटिव, तो प्लस का 0.04, फिर x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.04. अब व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 0.04, वैसे एकदम आसान है,
आंसर मैं चाहूं डायरेक्ट भी लिख दूं, लेकिन आपको प्रॉपरली करके दिखाता हूं। देखो कैसे, अगर किसी बच्चों को डेसिमल खोलना नहीं आता है तो इसे वो ऐसा लिख सकता है, फोर अपॉन, इस डेसिमल की जगह वन लग गया और डेसिमल के बाद दो नंबर है तो आपने लगा दिया 100। अब फोर का स्क्वायर रूट हो गया 2 और 100 का स्क्वायर रूट हो गया 10, ठीक है। ऑन व्हाट इज 2 अपॉन 10, दैट इज इक्वल टू 0.2। तो ये लीजिए इसका आंसर आ गया 0.2। डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन मैंने थोड़ा एलैबोरेट करके बताया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी, एक आपको सीरीज दी हुई है इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। वैसे कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि किसी भी बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस कर दो तो जो आंसर आएगा उसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। आप ये बात इन दोनों के साथ भी कर सकते हैं लेकिन इसके साथ करते हैं। तो बाद वाली लिखिए पहले, माइनस फिर पहले वाली लिखिए, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि बेस सेम है तो पी इसका एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो पी एलसीएम आ गया। तो ऊपर का न्यूमरेटर एज इट इज लिख दीजिए, तो 1 माइनस पी और माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 चला गया, क्या बचा, माइनस पी अपॉन पी और आंसर इज माइनस 1। तो कितना कॉमन डिफरेंस आया इस पर्टिकुलर एपी का, माइनस 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। द nth टर्म ऑफ द एपी इज, एक सीरीज दी है उसके nth टर्म निकालनी है। तो nth टर्म निकालने के लिए सबसे पहले आप सीरीज में क्या लिखे, उसका फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है a, और फिर उसका लिखिए आप कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस निकलता कैसे, किसी भी बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस कर दीजिए। आप ये इसके साथ भी कर सकते हैं, तो 3a माइनस a 2a। अब n टर्म का a की फॉर्मूला है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ध्यान रखिएगा n टर्म निकालते समय आपके पास यहां पर ये n मौजूद नहीं होगा, an को ही n टर्म बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं या जर्नल टर्म बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर यहां क्वेश्चन तीनों में से कुछ भी होता कि फाइंड द nth टर्म तो है ही है, फाइंड द जर्नल टर्म, फाइंड द लास्ट टर्म, तीनों ही केस में आप फॉर्मूला यही लगाते, ठीक है। तो an इज इक्वल टू a, नाउ a इज फर्स्ट टर्म जो कि आपको a ही दी है, प्लस n माइनस 1, और d कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, दैट इज 2a। तो कितना आ गया, a प्लस मल्टीप्लाई कीजिए 2an माइनस का 2a, तो ये कितना आ गया 2an, तो एज इट इज आ गया, और a माइनस 2a दैट इज इक्वल टू माइनस a, a कॉमन आता दिख रहा है तो ये हो गया a बाहर और ब्रैकेट में 2n-1। तो ये लीजिए आ गया हमारा nth टर्म a 2n-1। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। कह रहा है था पॉइंट p ऑन द x एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स, पहला पॉइंट दिया है a -1,0 और दूसरा पॉइंट दिया है b 5,0। तो छोटा सा क्वेश्चन है, एक ऐसा पॉइंट p जो x एक्सिस पे लाई करता है, तो ध्यान रखो अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और x को x रख लीजिए। ये पॉइंट p किसी दो पॉइंट से बिल्कुल बराबर दूरी पर है, वो पहला पॉइंट a है जिसके कोऑर्डिनेट -1,0 है और दूसरा पॉइंट b है जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास 5,0 है। कंडीशन कहता है कि ये जो PA दूरी है वो PB दूरी के बराबर है, बस डिस्टेंस सम लगा के इस P के कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं। तो ऐसे दिया हुआ है कि डिस्टेंस PA इज इक्वल टू डिस्टेंस PB। अब डिस्टेंस PA के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ y2-y1 का होल स्क्वायर प्लस x2-x1 का होल स्क्वायर, किसी को भी x1y1 किसी को भी x2y2 मान लो। तो ये हो गया x1-x2, अब x1-x2 में तो एक माइनस पहले ही है तो x+1 का होल स्क्वायर प्लस y1-y2, तो 0-0 0 कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इज इक्वल टू फिर अंडर रूट ऑफ, यहां पर भी सेम ऐसे ही लगाइए, तो x-5 का होल स्क्वायर प्लस 0-0 तो फिर 0 ही आएगा। ध्यान रखिएगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते समय x2-x1 का होल स्क्वायर लिखा या x1-x2 का, पहले y लिया या पहले x लिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर लग रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा फॉर्मूला अगर आप लिख भी रहे हो किसी बड़े क्वेश्चन के लिए तो कुछ भी लिख दीजिएगा, x2-x1 को पहले लिख देना, x1-x2 को पहले लिख देना, y वाला पहले लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करते हैं तो रूट चला जाएगा, तो ये बचेगा x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां बचेगा x-5 का होल स्क्वायर। अब a+b का होल स्क्वायर खोलते हैं, इधर a-b का होल स्क्वायर खोलते हैं, तो a² + b² और प्लस का 2ab, यहां कितना हो गया a² + b² और माइनस का 2ab,
तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, क्या बचा, वन प्लस का टू एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस का 10x। अगला स्टेप देखिए, x वाले टर्म एक तरफ, विदाउट x वाले एक तरफ, तो मैंने लिखा 2x, इस माइनस 10x को इधर ले आया तो प्लस का 10x, 25 अपनी जगह पर, और इस प्लस 1 को उधर ले गया माइनस 1, तो ये कितना हो गया 12x, और 25 माइनस 1 इज 24। अगला स्टेप, x इज इक्वल टू, तो 24 अपॉन 12 दैट इज इक्वल टू 2, तो मेरा जो P पॉइंट था वो कितना था, x कॉमा 0 ही तो था, x का वैल्यू 2 आ गया, तो P कोऑर्डिनेट कितना आ गया मेरे पास, वो आ गया 2,0। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा था कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच इज रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट दिस इन x एक्सिस। सबसे पहले एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं जिसमें -3, 5 को प्लॉट करते हैं। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया x डैश, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया y डैश। अब -3, 5 कहां आएगा, चेक करो, x का -3, y का 5, तो x माइनस यहां होता है, ये ना x डैश, और y पॉजिटिव, तो ये तो कंफर्म है कि ये पॉइंट यहां लाई करेगा। तो x का -3, एक अंदाजे से 1, 2 और 3, और 1, 2, 3, 4, 5, तो ये मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट -3, 5 है वो यहां पर आया। क्वेश्चन कह रहा है कि इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकालना है इन एक्स एक्सिस। इन एक्स एक्सिस का मतलब है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट है यहां पर और एक्स एक्सिस को मिरर मान लिया जाए तो रिफ्लेक्शन बताइए कहां आएगा। तो खुद सोच के देखिए, आप खड़े हो यहां पर और ये आपका मिरर है, तो पक्की बात आपका इमेज यहां पर आएगा। अब ये इमेज यहां आएगा, अगर इमेज यहां आएगा तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये से फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करो, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, तो पक्की बात है कि ये जो रिफ्लेक्शन है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो चेक करो, ये जो भी पॉइंट है इसका एक्स भी नेगेटिव कर दो, वाई भी नेगेटिव कर दो, एक्स पहले से ही नेगेटिव है तो जी नेगेटिव ही रहेगा, और वाई भी नेगेटिव, 5 है ना, तो ये -5 हो गया। हमेशा ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन जिस एक्सिस पर हो रहा है उसे तो मिरर मान लेना, और मिरर मान के जिस क्वाड्रेंट में लाई करो उसमें एक्स और वाई को चेक कर लेना, एक्स यहां नेगेटिव, वाई यहां नेगेटिव, तो दोनों पॉइंट यहां मैंने नेगेटिव रख दिए। ये लीजिए, क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है कि इफ द पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट 6,2 है डिवाइड द लाइन सेगमेंट, फिर दिए हुए इन द रेशियो 3:1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। ये जो वाई है यहां पर ये निकालना है। तो देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बनाइए ए बी, ठीक है, उसमें ए और बी आपको कितना दिया हुआ है, ये दिया है 6,5 और ये दिया है 4,y, और एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट आपको 6,2 है जो इस लाइन ए बी को 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आपको इस y का वैल्यू निकालना है, तो सिंपल सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाया जाता है, इसको ले लेते हैं x1 y1, इसको ले लेते हैं x2 और y2, ये होता है हमारा x और y। अब ध्यान रखना, y में कंफ्यूज मत होना क्योंकि एक y यहां पर ऑलरेडी अननोन दिया हुआ है, तो ये x और y, और हमारा रेशियो होता है m और n, क्योंकि ये y वाला कोऑर्डिनेट ही निकालना है जो y2 पर है, तो डायरेक्टली हम ये वाला कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। तो y इज इक्वल टू होता क्या है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो दिस y इज इक्वल टू, दिस y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, जो एक्चुअल में क्या है 2 दिया है, तो यहां y छोड़कर डायरेक्टली क्या लिख दूं, 2 लिख देता हूं, my2 नाउ व्हाट इज y2, y2 इज y प्लस ny1 n इज 1 एंड व्हाट इज y1, y1 इज 5 अपॉन m प्लस n 3+1। बस अब कितना हो गया, तो 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 5 अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 4 8 इज इक्वल टू 3y प्लस 5, इस प्लस 5 को इधर लाइए तो 8 - 5 इज इक्वल टू 3y। अब ये कितना हो गया 8 - 5, 3 इज इक्वल टू 3y, अब 3 चला गया डिवाइड में, तो 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू y, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y है, y का वैल्यू आ गया 1। आपको निकालना क्या था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ y इज 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लिख दिया, एक फिगर दिया है
ट्राइंगल एबीसी है और इसमें दिया है कि एम एन पैरल बीसी, ओके एम एन पैरल बीसी दिया हुआ है। कह रहा है ए एम इज टू एम बी का रेशियो है 1:2, ए एम और एम बी का रेशियो दिया है 1:2 और फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन छोटा ट्राइंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बड़ा ट्राइंगल। तो छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल का एरिया का रेशियो चाहिए। वैसे हमारे पास एक थ्योरम होती है कि अगर दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालना हो तो पहले उनका सिमिलर होना जरूरी है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। तो सबसे पहला कंडीशन है कि दोनों ट्राइंगलों को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। देखो बड़े आराम से हो जाएगा, एम एन पैरल बी सी है ना, इस वजह से हो जाएगा आराम से। तो इन ट्राइंगल ए एम एन एन ट्राइंगल ए बी सी, अब इसको कैसे करें सिमिलर, तो कहेंगे कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू और रीजन क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और ये जो एंगल थ्री है, जो एंगल ए है एक्चुअल में, तो एंगल थ्री वो एंगल थ्री कॉमन हो जाएगा दोनों के अंदर। तो अगर किसी दो ट्राइंगल में दो एंगल आपस में बराबर हो जाए तो ट्राइंगल कैसे हो जाते हैं, सिमिलर। और रीजन क्या होगा यहां पर सिमिलर होने का, ए ए क्राइटेरिया, लिखा ट्राइंगल ए एम एन सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी और रीजन हो गया ए ए क्राइटेरिया। अब सिमिलर तो प्रूव हो गया, अब इस सिमिलरिटी का यहां कैसे फायदा है, हमारी जो थ्योरम वो क्या है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। तो स्क्वायर कर देंगे उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का। अब ए एम एन जो छोटा ट्राइंगल है उसकी तो मैंने ए एम साइड ले ली और स्क्वायर लगा दिया, और ट्राइंगल एबीसी की मैंने ए बी साइड ले ली और स्क्वायर लगा दिया। अब ए एम बाय ए बी का वैल्यू चाहिए और फाइनल आंसर पे स्क्वायर लगा देंगे। दिक्कत ये है कि आपको ए एम बाय एम बी का वैल्यू गिवन है और जबकि ए एम बाय ए बी का वैल्यू चाहिए, तो यहां कुछ ऐसा लॉजिक लगाना है कि ये ए एम बाय जो एम बी गिवन है ना, ये ए एम बाय ए बी का रेशियो हो जाए। अब उसके लिए मुझे करना क्या होगा, पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि मुझे ए एम बाय ए बी चाहिए, ए एम बाय एम बी है, तो पहली बात तो ये एम बी हटाना पड़ेगा और एम बी हटाकर यहां ए बी लाना पड़ेगा। ध्यान रखिए जब भी दो फ्रैक्शनल नंबर में से कोई आपको टर्म हटाना हो तो वो टर्म आपका न्यूमिनेटर में आ जाना चाहिए। अगर ये एम बी को मैं न्यूमिनेटर में ले आऊं और फिर कुछ अलजेब्रा लगाऊं तो ये आराम से चेंज हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं, और लिखा और दोनों साइड मैंने किया रेसिप्रोकल, ध्यान से देखिए 2/1, ठीक है। अब क्योंकि ये न्यूमिनेटर में आ चुका है तो इसका यहां से एलिमिनेट होना आसान है। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड 1 ऐड किया, तो एम बी बाय ए एम में भी 1 ऐड किया और इधर भी मैंने 1 ऐड किया। चलिए एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके कितना आएगा, ए एम प्लस एम बी बाय ए एम, सिंपल एलसीएम ले रहा हूं, और यहां तो 1+2 3 हो जाएगा। चेक करिए ए एम प्लस एम बी कितना हो गया, ए एम प्लस एम बी पूरा ए बी हो गया, तो ये हो गया ए बी बाय ए एम इज इक्वल टू 3/1। वापस फिर इसे उल्टा कर दीजिए, उल्टा क्यों करें, हमें तो देखो ना ए एम बाय ए बी चाहिए, ए बी बाय ए एम आ गया, तो वापस रिवर्स कर दो और रिवर्स करके कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, और उस 1/3 को यहां डाल दो तो ये कितना हो गया 1/3 का होल स्क्वायर, जो कितना आ गया 1/9। तो फिर हमारे पास एरिया ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो है वो आया 1/9। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि इस फिगर के अंदर आपको ये लेंथ पी बी निकालना है, कंसेंट्रिक सर्कल्स दिए हुए, मतलब दो सर्कल जिनका कॉमन सेंटर हो। देखो आपको ये ओपी दिया हुआ है और ये ओए दिया हुआ है। अगर कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो अंदर वाले सर्कल के लिए, मतलब छोटे सर्कल के लिए, ये जो ए बी है ये तो एक टेंजेंट है जिस पर ओपी उसका रेडियस हो जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी है हमारे पास सर्कल की कि द लाइन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर ऑन टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे, एंगल वन यहां पर डायरेक्टली 90 लिख दोगे। प्रॉपर्टी में फिर बता देता हूं, अ लाइन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर ऑन टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पूरी स्टेटमेंट लिखने के बाद। अब थोड़ी देर के लिए देखिए बड़े सर्कल के लिए, बड़े सर्कल के लिए ए बी तो एक कॉर्ड है लेकिन एंगल वन तो 90 हम पहले प्रूव कर चुके हैं। तो नियम ये कहता है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कॉर्ड पर
सेंटर से कोई परपेंडिकुलर आएगा तो उस कॉर्ड को वो दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। तो मैं कैसे लिखूंगा, एपी बराबर पीबी और रीजन लिखूंगा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब एपी और पीबी बराबर हो गए, अगर एपी की दूरी भी मिल जाएगी तो पीबी की दूरी सेम हो जाएगी। जरा ध्यान से देखो, ओपीए ट्रायंगल में ये कहीं राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, तो क्या मैं इसमें पाइथागोरस लगा सकता हूं? तो मैंने लिखा इन राइट ट्रायंगल ओपीए। अब लगाइए पाइथागोरस, तो ओए का स्क्वायर राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, उसको मैंने ओए लिखा, इज इक्वल टू एपी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। कौन कौन सी वैल्यूज है, एओ है 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, एपी पता नहीं तो उसको एज इट इज छोड़ दिया, ओपी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 को उधर ले आया, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू एपी स्क्वायर जो कि हो गया 16 इज इक्वल टू एपी स्क्वायर। यहां से एपी का वैल्यू आ गया रूट 16 और व्हाट इज रूट 16, रूट 16 इज 4 सेंटीमीटर। अब एपी आ गया 4, लेकिन अभी प्रूव किया था कि एपी तो पीबी के बराबर है, तो आपकी जो पीबी का वैल्यू वो भी कितना आ गया, वो भी आ गया 4 सेंटीमीटर। ले लीजिए, फिनिश हुआ। चलिए 12th क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी, तो चलो पहले एक ट्राइंगल एबीसी बना के देखते हैं अपने आप, उसमें अपने हिसाब से एबीसी कहीं भी रख दीजिए। फिर वो कहता है कि एबी आपको दिया है 6√3, एसी दिया है 12 और बीसी दिया है आपके पास 6। कह रहा है फाइंड एंगल बी, ये एंगल बी निकालना है। अब ध्यान रखो, अगर तीनों साइड बराबर होती तो एंगल भी तो 60 डिग्री हो जाता क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब ये इक्विलेटरल तो है नहीं, तो पक्की बात राइट एंगल देखा जा सकता है क्योंकि मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन एंगल भी राइट एंगल को ही प्रूव करते हैं। लेकिन ठीक है, पता तो नहीं है कौन सा ट्राइंगल दिया है। अब क्योंकि एंगल बी ही मांगा है और ये अगर राइट ट्राइंगल होगा तो एंगल बी के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी, तो ऐसा कुछ चेक कर लेते हैं कि एसी का स्क्वायर अगर बराबर आ जाए, क्योंकि राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होगा ना, तो एसी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाए तो ये एक राइट ट्राइंगल हो जाएगा और एंगल भी 90 हो जाएगा। तो चलो एसी का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर ये हो गया 144। अब ऐसे ही एबी का स्क्वायर और बीसी का स्क्वायर, तो 6√3 का होल स्क्वायर, तो 6 6 36 और √3 × √3 = 3 प्लस बीसी 6 का स्क्वायर 36, यहां से 36 मैंने कॉमन ले लिया तो ये बचा 3+1 जो 36 × 4 और 36 × 4 144 ही होता है। तो क्या पता चला कि LHS RHS बराबर आ गया, इसका मतलब ये जो AC का स्क्वायर है ये बराबर आ गया AB का स्क्वायर प्लus BC का स्क्वायर, लेकिन ये तो पाइथागोरस है और पाइथागोरस है तो पक्की बात आपका बी कितना है, आपका बी है राइट एंगल। ये लीजिए सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर। तो मैं आपको कंसेप्ट सिखा देता हूं कि अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। ध्यान रखिएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, दोनों ट्राइंगल की साइड्स को रेशियो में रखा जा सकता है। लेकिन अगर इसकी जगह लिखा होता कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ध्यान रखना कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बराबर होती, इक्वल होती। तो यहां लिखा है कि टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब उनका उनकी साइड्स का रेशियो बराबर, साइड्स का रेशियो बराबर। ध्यान रखिएगा, साइड बराबर नहीं, साइड बराबर होंगी तो फिर ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि इन फिगर, एक फिगर बना के दिया है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन एंगल की बात कर रहा है, ध्यान रखना, फ्रॉम टू पॉइंट्स O1 एंड O2, दो पॉइंट है O1 एंड O2 ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट ए के लिए आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है। तो ध्यान रखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है कि आप O1 या O2 पर खड़े हो और ए को देख रहे हो, और जहां आप खड़े हो, जहां आप खड़े होते हो वहां से जुड़ा हुआ एंगल निकालना होता है। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन होता तो आप ए पर खड़े हो और O1 O2 को देख रहे हो तो आप ये वाला एंगल बताते हैं, लेकिन आपको क्योंकि डिप्रेशन बताना है, डिप्रेशन में हमेशा आप O1 और O2 पर खड़े हो, आपको O1 और O2 वाला एंगल बताना है। तो ध्यान रखो, O1 वाला तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है 60 डिग्री, तो लिख सकते हो कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन एट O1 वो तो 60 डिग्री है, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन है एट O2 वो नहीं पता। तो देखो बहुत आसान है,
ट्रायंगल चेक करो, ओ टू बी ए, इन ट्रायंगल ओ टू बी ए एंगल वन एंगल टू और ये पूरा एंगल थ्री जोड़ के 180 डिग्री, क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसमें चेक करो आपको दो एंगल पता है, टू भी पता है और थ्री भी पता है, वन आपको ऑलरेडी चाहिए ही चाहिए क्योंकि वो आपका दूसरा डिप्रेशन एंगल है, तो टू आपके पास हो गया 90 डिग्री और थ्री हो गया आपके पास 45 इज इक्वल टू 180। तो एंगल वन इज इक्वल टू 180 माइनस का 90 माइनस का 45 और ये सॉल्व करके कितना आएगा भाई, 180 में से 90 गया 90 और 90 में से 45 गया 45 डिग्री। तो ये जो एंगल दूसरा वाला आया डिप्रेशन एंगल, ये आया 45 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, द डिप्रेशन एंगल एट ओ टू इज 45 डिग्री। ये लीजिए आ गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 लिख दिया है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है कि इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4 ए। अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, साइन ए इज इक्वल टू, इस साइन स्क्वायर को उधर ले जाओ, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए और साइन ए का फिर वैल्यू क्या हो गया ना, व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए। बस यहीं से कुछ वैल्यू निकालना है, तो हमें निकालना है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4 ए, कॉस की पावर 4 को मैं लिख दिया कॉस स्क्वायर ए की होल पावर 2। नाउ कॉस स्क्वायर ए को तो कॉस स्क्वायर रहने दो, कुछ मत करो, प्लस कॉस स्क्वायर ए की होल पावर 2। कॉस स्क्वायर ए को मैं साइन ए लिख सकता हूं, तो साइन ए लिख दिया, स्क्वायर बाहर वाला लग रहा है तो यहां स्क्वायर भी लगा दिया, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, जिसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है 1। कंसेप्ट फिर समझ लो, इस कॉस स्क्वायर को तो मैंने सेम रखा, ये जो 4 पावर है उसको 2 की पावर में 2 डाल दिया, इस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, इसको ए लिख सकता हूं, तो ए लिख दिया, स्क्वायर लग रहा है तो साइन स्क्वायर हो गया, और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर आइडेंटिटी होती है 1 हो गया, आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आ रहा है, कह रहा है कि इन फिगर गिवन द सेक्टर ऑफ ए सर्कल, एक सेक्टर ऑफ ए सर्कल दिया है, उसका रेडियस दिया है 10.5, कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, ये जो OA दूरी प्लस OB दूरी प्लस ये दूरी, अब इसको मैं यह नाम P ले लेता हूं, तो यहां पर पेरीमीटर का पहले फॉर्मूला लिखता हूं। पेरीमीटर का सिंपल सा मतलब होता है सम ऑफ ऑल द आउटर बाउंड्री, तो ये हो गया AO प्लस OB प्लस BPA, ठीक है। अगर OA की बात करें तो भाई ये तो रेडियस ही है ना, तो वो तो डायरेक्ट दिया है 10.5। OB की बात करें तो ये भी रेडियस है, डायरेक्टली 10.5। अगर इतने हिस्से की बात करें तो ये तो आपका लेंथ ऑफ द आर्क है। अब लेंथ ऑफ द आर्क का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, बस फॉर्मूला याद रखना है। तो ये कितना हो गया 10 प्लस 10 20 और ये हो गया 21 प्लस थीटा, थीटा आपको क्वेश्चन में गिवन है, 60 अपॉन 360 इंटू 2πr का वैल्यू 22/7 और r वो तो क्वेश्चन में है ही 10.5। बस अभी सॉल्व कर लेते हैं, तो 21 प्लस ये आपका 6 टाइम्स आ गया नीचे और यहां कुछ कटेगा क्या, तो यहां से बिल्कुल ये कट जाएगा, तो 7 1 7 और 7 5 35, तो ये हो गया 1/6 इंटू 44 और इंटू 1.5 और ये सॉल्व करके आ रहा है आपके पास 32 सेंटीमीटर, क्योंकि हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर लगा के छोड़ देंगे, क्वेश्चन फिनिश हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं कि इफ अ नंबर एक्स इज चूजन एट रेंडम फ्रॉम द गिवन नंबर -3 -2 -1 0 1 2 3 देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4। आपको यहां से नंबर कुछ चूज कर रहे हैं लेकिन कंडीशन ये है कि प्रोबेबिलिटी इस फॉर्म में निकालनी है कि अगर उस नंबर का स्क्वायर कर दिया जाए तो वो 4 से छोटा ही होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन नंबर है उसको डिनोट करते हैं एस से, जिसको आप बोलते हो सैंपल स्पेस, तो लिख दीजिएगा एस डिनोटिंग सैंपल स्पेस एंड एफ डिनोटिंग फेवरेबल आउटकम। अब चेक करो ये टोटल कितने सैंपल स्पेस है, 1 2 3 4 5 6 7, तो एन ऑफ एस ये हो गया आपके पास 7। अब आपको निकालने हैं फेवरेबल आउटकम, वो किस कंडीशन के हिसाब से निकलेंगे कि अगर आप इसमें से कोई नंबर चूज करो और उसका स्क्वायर करो तो वो नंबर 4 से छोटा ही होना चाहिए, तो वो आप अपने फेवरेबल आउटकम में ले सकते हो। तो -3 चूज किया, स्क्वायर करो 9, क्या 9 4 से छोटा है, नहीं 9 तो 4 से बड़ा है, तो सॉरी -3 का स्क्वायर करके नहीं लिख सकते यहां। अब -2 का स्क्वायर करो, तो -2 का स्क्वायर 4,
क्या चार चार से छोटा है? बिल्कुल नहीं, तो माइनस टू को भी नहीं ले सकते। माइनस वन का स्क्वायर करो वन, क्या वन चार से छोटा है? बिल्कुल, तो माइनस वन आ गया। जीरो का स्क्वायर करो, क्या जीरो का स्क्वायर चार से छोटा है? बिल्कुल, तो जीरो भी आ गया। वन का स्क्वायर चार से छोटा है? बिल्कुल, वन ही आएगा, तो ये भी चार से छोटा है, तो वन यहां पर आ गया। टू का स्क्वायर फोर, क्या चार से छोटा है? नहीं, तो नहीं आ सकता। थ्री का स्क्वायर नाइन, चार से छोटा है? नहीं, तो फेवरेबल आउटकम आ गया आपके पास तीन नंबर। फिर आपने लिखा एन ऑफ एफ, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, दिनों कितने हैं? ये तीन। और जो प्रोबेबिलिटी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है एन ऑफ एफ अपॉन एन ऑफ एस, तो एन एफ अपॉन एन एस, एन एफ आया तीन, एन एस एन एस है सात, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज थ्री अपॉन सेवन। ध्यान रखना, जो नंबर आपको गिवन होते हैं उसे सैंपल स्पेस बोलते हैं, फिर उन्हें कुल टोटल कर लेते हैं, तो एन ऑफ एस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। जो कंडीशन आपको गिवन होती है उससे जो टर्म्स आते हैं वो फेवरेबल आउटकम, फिर उन्हें गिन लीजिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एन एफ अपॉन एन एस, और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आया थ्री अपॉन सेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम टेकन लीप ईयर हैज 52 संडेज, मतलब एक लीप ईयर के अंदर 52 संडेज आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले एनएस, एनएस मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो कुल कितने दिन होते हैं लीप ईयर में? 366, और आपको कितने संडेज की निकालनी है? 52, तो जो कि हो गया आपका एनएफ। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला बताया था, एनएफ अपॉन एनएस, ये हो गया 52 अपॉन 366। अगर कैंसिल आउट हो सकता है तो बिल्कुल कैंसिल आउट करेंगे, तो बिल्कुल कट रहा है, ये हो गया 2 टू द 4 और 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6, तो हमारा फाइनल आंसर आया 26 अपॉन 183। अगर आपको लगता है कि आगे और कट सकता है तो और भी काट सकते हैं, मतलब रिड्यूस फॉर्म में देना है, बस सिंपल क्वेश्चन था 52 संडेज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है लीप ईयर के अंदर, तो टोटल 52 संडेज अपॉन लीप ईयर के टोटल दिन, आ गया आपका फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, कह रहा है फाइंड द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस, दो क्लास दी है 10 to 25 और 35 to 55, और इसके मुझे क्लास मार्क्स निकालना है। अब क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 25 प्लस 10 इज 35, तो यहां पर 35 बाय 2, अब इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 2 वन जा 2, 2 सेवन जा 14 और 2 फाइव जा 10, तो पहले वाले केस के लिए जो क्लास मार्क्स है वो है 17.5। दूसरे के लिए देखते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो गया 50 और 3 80 और 10 90, 90 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 45, तो दूसरे केस में जो मेरा क्लास मार्क्स आया वो आया 45 और पहले केस में आया 17.5। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए, अ डाइस थ्रोन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ डाइस थ्रोन, तो सबसे पहले अपना सैंपल स्पेस लिखते हैं जिसको एस से डिनोट कर रहे हैं, तो डाइस थ्रोन, तो 1 2 3 4 5 और 6, कुल कितने हो गए सैंपल स्पेस आपके पास, ये हो गए 6, तो एन ऑफ एस कितना आ गया, 6 आ गया। अब गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो फेवरेबल आउटकम एफ क्या है कि प्राइम नंबर निकालना, तो 1 से 6 के बीच में कितने सारे प्राइम नंबर्स हैं, ध्यान रखना प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप से जाएं या 1 से जाएं, और 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, तो ये आपके पास हो गया 2 3 और 5, तो 2 3 और 5, अब ये कुल मिलाकर कितने आपके पास फेवरेबल आउटकम हो गए, गिन लो 1 2 3 3, और प्रोबेबिलिटी का मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया आपको, एन एफ अपॉन एन एस, तो एन एफ है 3 और एन एस है आपके पास 6, तो आंसर कट के कितना आया 1/2। तो अगर एक डाइस फेंके तो प्राइम नंबर आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो चलिए एक ट्राइंगल पी क्यू आर बनाते हैं, पी क्यू आर, एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू, मतलब पी क्यू पर उसने एस बोला है हमको लेने के लिए और पी आर वाली साइड पर हमें टी बोला है, सच दैट कि एस टी जो है वो क्यू आर के पैरेलल भी है, मतलब किसी एक ट्राइंगल में दो साइड्स आपको पैरेलल दी हुई हैं। फिर कहता है कि पी एस की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है
और पी क्यू है, पूरी वैल्यू दी है आपको 9 सेंटीमीटर, फिर ये पूरी वैल्यू इधर पी आर दिए है 4.5 सेंटीमीटर, आपसे पीटी निकलवा रहा है। तो ध्यान रखो कि किसी ट्राइंगल में कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर अगर दो साइड्स आपस में पैरेलल दी है, एस टी पैरेलल क्यू आर दिया हुआ है ना, तो आप यहां पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। और वो क्या कहती है, वो तीन स्टेटमेंट देती है हमें, क्या पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, वो हमें दूसरा ऑप्शन क्या देती है पी एस अपॉन पी क्यू पी टी अपॉन पी आर, क्योंकि आपके पास यहां पर भी छोटा और बड़ा, छोटा और बड़े साइड का रिलेशन दिया हुआ है, तो यहां पर मैं बीपीटी का जो रिलेशन यूज करूंगा वो करूंगा पी एस बाय पी क्यू, पी एस बाय पी क्यू इज इक्वल टू पी टी बाय पी आर, पी टी बाय पी आर, और रीजन लिखूंगा बीपीटी का पूरा स्टेटमेंट। ठीक है, अब पी एस कितना है वो 4 है, पी क्यू कितना है आपके पास वो 9 है, पीटी वो अपने को निकालना है जिसको मैंने एक्स मान लिया है, और पी आर 4.5, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 × 4.5 अपॉन 9 इज इक्वल टू एक्स, और ये सॉल्व करके कितना आ रहा है आपके पास, ये सॉल्व करके आ रहा है 2, बस ये लीजिए आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू किसकी, टेन 30° इंटू टेन 60° अपॉन टेन 45°। वैसे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट पूरा याद होना चाहिए तभी क्वेश्चन हो सकता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन 30, वो होता है 1/√3 इंटू टेन 60 जो कि होता है √3, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय मैंने ऐसे लिख दिया टेन 45 जो कि होता है 1, ये कट गया, तो 1/1, तो 1/1 भी लिख सकते हैं, और आंसर कितना आ गया 1, तो छोटा सा क्वेश्चन था आंसर आया 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट करते हैं, कह रहा है सिंप्लीफाई करना है, छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या करें, हर टर्म को साइन और कॉस की चेंज करने की कोशिश करें। अब 1/sin a तो ऑलरेडी साइन में ही है, टेन को साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, और sec को क्या लिख सकते हैं आप 1/cos ए। याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री के प्रूविंग करें या सिंप्लीफाई करें तो यही कोशिश हो कि हर टर्म साइन और कॉस की टर्म में लिखा जा सके। ये हो गया 1-sin ए, यहां क्योंकि आपके पास दो फ्रैक्शनल नंबर के बीच में प्लस लग रहा है तो एलसीएम ले लेते हैं, अब क्योंकि बेस सेम है तो ये तो एज इट इज कॉस ही आ जाएगा एलसीएम, और जब हम बेस को एज इट इज कॉपी करते हैं तो ऊपर का न्यूमरेटर एज इट इज उतार देते हैं, ये हो गया 1+sin a। अब जरा दोनों न्यूमरेटर चेक करना, 1-sin a 1+sin a, क्या ये आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी ए माइनस बी की, जो कि होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर - sin का स्क्वायर अपॉन cos a। व्हाट इज 1-sin² है, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा ना, तो 1-sin² इज cos स्क्वायर, cos स्क्वायर को मैंने cos स्क्वायर a ना लिखकर cos a * cos a लिख दिया, अपॉन नीचे का cos a है ही, एक cos a से cos a कट गया और आपका आंसर कितना आ गया cos a। तो यहां पर जो सिंप्लीफिकेशन था ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म का वो है cos a। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट करते हैं, कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ 120 एंड 144 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए पहले 120 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 2 6 are 12 और 0, 2 3 are 6 और 0, 2 1 are 2, 2 5 are 10, अब 3 5 are 15, ऐसे 144 के भी निकाल लेते हैं, 2 7 are 14, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 6 are 12, 2 1 are 2, 2 8 are 16, 2 9 are 18 और 3 3 are 9। तो यहां पर चेक करो हमारे पास 120 के कितने आ गए फैक्टर्स, 1 2 3 4 और 5, और 144 के कितने फैक्टर्स आ गए, 1 2 3 4 5 और 6। अगर मैं कहूं कि एस सी एफ इसका आंसर क्या है, तो एस सी एफ का आंसर होता है जो सिर्फ और सिर्फ कॉमन होंगे, तो 2, फिर एक और 2, फिर एक और 2, 1 3, बस मेरे ख्याल से आप दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो यही आपका एस सी एफ हो गया, तो 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 3 are 24। और मैं आपसे कहूं कि भाई एलसीएम क्या होगा, तो ध्यान रखो ये एचसीएफ तो आएगा ही आएगा एलसीएम में, अब जो बच गए हैं सारे वो भी ले लो, तो 5 × 2 × 3, तो 5 × 2 × 3, तो ये कितना होगा, देखो 5 2 are 10 तो सीधा ही रख लो यहां पर, और 3 4 are 12, 1 कैरी हो गया, 3 2 are 6 और 1 7, तो यहाँ एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया आपके पास 720। चलिए नेक्स्ट 25th क्वेश्चन देखते हैं,
कि इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है और उसका एक जीरो क्या है, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, अगर जो एक रूट है वो दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो के का वैल्यू निकाल दीजिए। तो मैंने लिखा कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर अल्फा को मैं एक्स लेता हूं तो मेरा बीटा दूसरा रूट क्या है उसका रेसिप्रोकल है, अगर अल्फा एक्स है तो बीटा हो गया वन बाई एक्स, लिखा है ना कि वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अब मैंने क्या किया, इस पॉलिनोमियल को फिर से लिखा के स्क्वायर प्लस एट एक्स स्क्वायर प्लस 13x और प्लस 6k। अब जरा इस पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म लिखिए, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, यहां से इस abc का वैल्यू निकालिए, a क्या है x स्क्वायर का कोफिशियंट, तो हमारे पास आ गया k स्क्वायर प्लस 8, b क्या है x का कोफिशियंट और c क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ x वाला टर्म जिसमें x मौजूद ना हो, और अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके दोनों रूट भी हैं तो मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल सकता हूं, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालने का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, ठीक है। अब अल्फा कितना है वो मैंने एक्स लिया हुआ है, बीटा कितना है वो वन अपॉन एक्स लिया हुआ है, और सी और ए का वैल्यू मुझे पॉलिनोमियल से मिल जाएगी, सी का वैल्यू मेरे पास है 6k और ए का वैल्यू है k स्क्वायर और प्लस 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो k स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6k, सबको एक तरफ लाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी यहां से आपके पास कुछ इस तरह से। अब करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, उसके लिए 8 के फैक्टर्स बनाइए, यह आएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अब तीन फैक्टर आ गए 2 2 2, इस तरह से इसे प्लस माइनस इनटू कीजिए कि माइनस का 6 आ जाए, सिंपल स्प्लिटिंग कर रहे हैं, तो मैंने लिखा 4 और 2, और इसकी स्प्लिटिंग कैसे होगी, k स्क्वायर माइनस का 4k माइनस का 2k और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, पहले दो और अगले दो में से कॉमन निकालिए, तो पहले दो में से k कॉमन आ रहा है तो k माइनस 4 और अगले दो में से माइनस 2 कॉमन आ रहा है k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, अब दोनों में से k माइनस 4 कॉमन आ रहा है और बचेगा क्या k माइनस 2, ये सिंपल मैं आपको स्प्लिटिंग का मिडल टर्म बता रहा हूं, अभी स्प्लिटिंग का मिडल टर्म सिखा नहीं सकता क्योंकि ये तो अभी आपको मैं सिर्फ मेन मेन क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं सारे, तो स्प्लिटिंग आपको करनी आनी चाहिए, तो यहां से k का वैल्यू कितना आ गया 4 और 2, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 4 और 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, कह रहा है कि इफ 2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड ए, कि इस पॉलिनोमियल टर्म का 2 जीरो है मतलब 2 x का वैल्यू है, आप मुझे a निकाल दीजिए, तो अगर इस 2 को मैं इस x की जगह पुट कर दूं और जीरो के बराबर रख लूं तो a का वैल्यू आ जाएगा, तो आपने लिखा 4 इंटू एक्स स्क्वायर तो इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स जो कि है 2 माइनस का 5a इज इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा अगर आपको पहले से ही रूट गिवन होता है जब आप रूट को उस पॉलिनोमियल इक्वेशन पुट करते हैं तो साथ जीरो लेकर चलेंगे, तो कितना आ गया 4 इंटू 2 टू 4 प्लस 4 माइनस का 5a इज इक्वल टू 0, 4 4 से 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 5a, ये माइनस का 5a हो जाके प्लस का 5a हो जाएगा, ये हो गया 20 इज इक्वल टू 5a, 5 नीचे आ जाएगा 20 के इज इक्वल टू a और देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 4, ये लीजिए आ गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ px इज इक्वल टू ax प्लस b फाइंड द जीरोस ऑफ px, जीरोस इस बार निकालने हैं आपको, तो जीरोस निकालने के लिए जो आपका px है उसे जीरो के बराबर रख दीजिए, तो लिखेंगे फॉर जीरोस, जीरोस का मतलब होता है x की वैल्यू निकालना, पुट px इज इक्वल टू 0 और px आपको कितना दिया हुआ है ax प्लस b, इसे जीरो के बराबर रख दीजिए और यहां से x का वैल्यू निकाल दीजिए और यहां से x का वैल्यू कितना आएगा आपके पास माइनस का b बाई a, ये लीजिए आ गए जीरो। जीरो का मतलब ध्यान रखिएगा x की वैल्यू ही होता है, जीरोस का एक और नाम है रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट निकालना जीरोस निकालना या x की वैल्यू निकालना ये एक ही मतलब है, एक ही चीज के तीन अलग अलग नाम है, ठीक है क्वेश्चन फिनिश हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं, कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 20,15 फ्रॉम ओरिजिन, मतलब एक पॉइंट आपको दिया है 20,15 और दूसरा पॉइंट दिया है ओरिजिन, ओरिजिन के कितने कोऑर्डिनेट होते हैं जीरो जीरो होते हैं और कह रहा है कि इनके बीच की दूरी निकाल दीजिए, मान लीजिए इस पॉइंट को ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं और हमसे कहा जा रहा है
कि भाई ए बी के बीच की दूरी निकाल दीजिए। तो ए को अगर मैं मान लू एक्स वन वाई वन और बी को मान लू मैं अगर एक्स टू वाई टू, तो मुझे निकालने के लिए बोला है डिस्टेंस ए बी, और डिस्टेंस ए बी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। एक चीज का ध्यान रखना है इस फॉर्मूले के अंदर, कभी आप बुक में कोई फॉर्मूला चेक करें डिस्टेंस फॉर्मूला और आपको दिखाई दे ऐसा कि एक्स वन माइनस एक्स टू लिखा है या वाई वन माइनस वाई टू लिखा है या वाई पहले लिखा है एक्स बाद में लिखा है, तो ध्यान रखना डिस्टेंस फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, सारे तरीके सही है। तो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन, तो जीरो माइनस ट्वेंटी या ट्वेंटी माइनस जीरो, क्योंकि स्क्वायर लगेगा तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो ट्वेंटी माइनस जीरो का होल स्क्वायर और फिफ्टीन माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ट्वेंटी का स्क्वायर और प्लस फिफ्टीन का स्क्वायर। अब आपके पास ट्वेंटी का स्क्वायर कितना हो गया, वो हो गया फोर हंड्रेड, और फिफ्टीन का स्क्वायर कितना हो गया टू ट्वेंटी फाइव, ये हो गया अंडर रूट ऑफ सिक्स ट्वेंटी फाइव, और सिक्स ट्वेंटी फाइव का पूरा स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा ट्वेंटी फाइव, क्योंकि दूरी निकाल रहे हैं तो पीछे लिख देगा यूनिट्स, देयरफोर द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट एंड द ओरिजिन इज ट्वेंटी फाइव यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ सेवनटीन कॉस ए बराबर एट, फाइंड द वैल्यू ऑफ फिफ्टीन कोसेक ए माइनस एट सेक ए। चलिए आसान सा क्वेश्चन है, सबसे पहले यहां से कॉस ए का वैल्यू निकालिए जो कि कितना आएगा एट अपॉन सेवनटीन। एक राइट ट्राइंगल बनाइए, हमेशा ध्यान रखना ये एक राइट ट्राइंगल है, और ए बी और सी, अब ध्यान रखिएगा यहां पर मैंने ए को ऊपर रखा है और हमारे पास एंगल भी ए है, तो ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर मानी जाएगी। कंफ्यूजन ना हो जाए तो आप एक काम करिए, इस ए को यहां ना रखकर यहां सी रखिए और यहां रेख के, याद रखना ये वाला जो कंडीशन है कि ए को मैंने नीचे ही रखा, ये आपको फायदा देगा। तो याद रखें कि ये जो एंगल गिवन हो उसको हमेशा यहीं रखें, इससे आपको फायदा मिलेगा। अगर कुछ बच्चे उस ए को ऊपर रखेंगे तो ध्यान रखना फिर आपको ये ए बी वाली साइड को परपेंडिकुलर मानना पड़ेगा, जो एंगल यहां होता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, बस इस चीज का ध्यान रखें आप, ठीक है। तो व्हाट इज कॉस ए, कॉस कौन सी दो साइड का रिलेशन है, उसका भी निमोनिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये निमोनिक आपको आता ही होगा, ये सोने का एस ले लिया और ये हो गया साइन थीटा, चांदी का सी ले लिया ये हो गया कॉस थीटा, और तोले का टी ले लिया टेन थीटा, मतलब साइन थीटा का रिलेशनशिप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का रिलेशनशिप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन का रिलेशनशिप परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मुझे क्या दिया है कॉस ए, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रिलेशन दिया है, कितना एट अपॉन सेवनटीन, और याद रखना एट अपॉन सेवनटीन एक रेशियो है और आपको तो बेस और हाइपोटेन्यूज को साइड की तरह लेना है, तो एक कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करना, मतलब आप इसे लिखोगे एट ए और आप इसे लिखोगे सेवनटीन के। आप याद रखना कि आप रेशियो को जब दूरी में चेंज करते हो तो आपको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, तो यहां आया 8k और यहां आया 17k, ये आपके सॉल्यूशन पे फर्क नहीं डालेगा अगर आप k नहीं भी डालोगे, लेकिन कंसेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ए बी तो दूरी है, ए सी दूरी है और 8 अपॉन 17 उसका रेशियो है, तो रेशियो को दूरी की तरह नहीं रखा जा सकता, और एक ही तरीका है रखने का अगर आप उसमें कॉन्स्टेंट को इंट्रोड्यूस करो, ठीक है। तो हमारे पास बेस आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया क्योंकि राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, अब निकालना है यहां से परपेंडिकुलर, लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, एसी 17k है तो 17k का होल स्क्वायर, एबी 8k है तो 8k का होल स्क्वायर और प्लस बीसी स्क्वायर, ये हो गया आपके पास 289k स्क्वायर, ये हो गया 64k स्क्वायर और प्लस बीसी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, अब 64k स्क्वायर को उधर ले आइए, तो 289k स्क्वायर माइनस 64k स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर, सॉल्व करके आया 225k स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर, यहां से स्क्वायर हटाया इधर रूट लग गया, तो 225k स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी, और बीसी का वैल्यू आया कितना 15k। तो आपके पास एक तरह से परपेंडिकुलर
ये जो ए बी था वो आ गया 15 के। बस अब आपके पास तीनों वैल्यूज हैं, आपको कितना आपको निकालनी क्या है, कोसेक की और सेक की वैल्यू। तो कोसेक ए क्या होता है चेक करो, साइन का उल्टा ही तो होता है कोसेक। तो साइन अगर पी बाई एच है तो ये हो गया एच बाई पी, एच मतलब ए बी और पी मतलब बी सी। तो ये हो गया आपके पास 17 के अपॉन 15 के, के से के कट गया और कोसेक का वैल्यू कितना आ गया 17/15। इसी तरह से सैके, अब सैके क्या है कॉस का उल्टा, वैसे कॉस ये तो आपको क्वेश्चन ही था तो डायरेक्टली वैल्यू उल्टी कर सकते हैं इसकी 17/8। अब यहां इस रिलेशन में रख दीजिए तो कितना आएगा 15 × cosec A जो कि है 17/15 −8 × sec A जो कि है हमारे पास 17/8। 15 से 15 चला गया, 8 से 8 चला गया, तो 17 − 17 0 बचा। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर इज 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कॉपी कर दिया मैंने, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cosec² 30° + sec² 30° + 2 cos 0° + 3 sin 90° - 10² 60° कुछ नहीं है, सिर्फ जो ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट है उसमें सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए या आपको टेबल बनाना आना चाहिए और इसमें पुट करना है। तो चलिए वन बाय वन पुट करते हैं। 2 बाहर, व्हाट इज cos 30, cos 30 होता है √3/2, स्क्वायर लग रहा है आप भी लगा दो। sec 30, अब sec 30 cos 30 का उल्टा होता है, cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 हो गया 2/√3, स्क्वायर लग रहा है आप भी लगा दो। 2 × cos 0, cos 0 इज 1 +3 × sin 90, sin 90 इज 1 −10² 60, 10 60 इज √3, स्क्वायर लग रहा है आप भी लगा दो। ये हो गया 2 × √3/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3/4 +2/√3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4/3 +2 + 3 माइनस का √3 का स्क्वायर। व्हाट इज √3 × √3, दैट इज 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 4 चला गया, तो 3/2 +4/3 और +2, कुछ नहीं करना बस एलसीएम लेना है, कितना एलसीएम आएगा 6 एलसीएम आ जाएगा। तो 2 × 3 = 6 इंटू ऊपर वाला न्यूमरेटर, सिंपल एलसीएम ले रहा हूं, +3 × 2 = 6 इंटू ऊपर वाला न्यूमरेटर, +1 × 6 = 6 इंटू ऊपर वाला न्यूमरेटर। अब कितना आ गया 3 × 3 = 9, 2 × 4 = 8, 6 × 2 = 12/6, ये आपके पास आ गया 12 और 8 = 20 और 29 ये लीजिए आ गया फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन sin 2x = sin 45 × cos 45 + sin 30। एक छोटा सा ही क्वेश्चन है, तो sin 2x तो एज इट इज रहने दीजिए, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 आपको ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट से याद होनी चाहिए या आपको टेबल बना के लिखनी है। अब कॉस 45 1/√2 दोनों का सेम वैल्यू ही होता है और प्लस साइन 30 इज 1/2, तो साइन 2x कितना हो गया यहां पर चेक करो, √2 × √2 = 2, तो 1/2 और प्लस का 1/2। व्हाट इज 1/2 + 1/2, मतलब हाफ प्लस हाफ 1 हो गया। तो क्या पता चला कि साइन 2x का वैल्यू 1, अब चेक करो कि साइन के कौन से एंगल पर वैल्यू 1 आता है। तो आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट में चेक कर सकते हो कि जो साइन 90 होता है वो 1 होता है, तो ऐसे लिखते हैं इस बात को कि अगर साइन 2x की वैल्यू 1 तो फिर x की वैल्यू कितनी 90 डिग्री। कहने का मतलब कि साइन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है, तो एक्चुअल में ये 2x पूरा थीटा ही तो है, तो वो 2x की वैल्यू 90 हो गई और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 90/2 = 45 डिग्री। बस तो आपकी वैल्यू x की कितनी आ गई 45 डिग्री। कंसेप्ट ध्यान रखना, अगर साइन 2x का वैल्यू 1 है तो फिर ये जो 2x है मतलब ये जो थीटा है, साइन थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर कितना भाई, थीटा हो गया 90 डिग्री, यहां से 2x की वैल्यू 90, तो x की वैल्यू कितनी 45 डिग्री। क्वेश्चन पूरा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, छोटा सा बढ़िया क्वेश्चन है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 के बराबर है, तो थीटा का वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए कितना आसान है, इस माइनस कॉस थीटा को उधर ले जाइए तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। अब कॉस थीटा को साइन के नीचे ले आइए तो ये होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नाउ व्हाट इज साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस होता है 10, तो 10 थीटा 1। तो पीछे वाले क्वेश्चन की तरह देखो, 10 थीटा की वैल्यू 1 कब होगी, जब थीटा कितना डिग्री का होगा 45 डिग्री का होगा। बस ये लीजिए
तो अगर टेन थीटा वन है तो थीटा कितना होगा 45 डिग्री, आ गया आपका थीटा का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड सेकी इन टर्म्स ऑफ कॉस ए, मतलब आपको सेकी का वैल्यू निकालना है लेकिन इक्वल में कॉस ही लिखा होना चाहिए। तो अगर थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का तो सेक और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल ही तो होते हैं, तो यहां पर सेकी का वैल्यू लिख दिया मैंने कॉस के टर्म में जो कि क्या होता है वन अपॉन कॉस, तो देयरफॉर सेके इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस ए। सेके का वैल्यू भी आ गया और कॉस के टर्म में भी आ गया, आंसर इज सेके इक्वल टू वन अपॉन कॉस ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। इफ 300√3 मीटर हाई टावर, तो एक टावर बनाइए और उस टावर का हाइट आपको क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 300√3 मीटर। मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब ध्यान रखिएगा कि आप नीचे खड़े होकर किसी ऊपर किसी चीज को देख रहे हो, ठीक है। और ये वो मेरा एबीसी ट्राइंगल हो गया, ए बी टावर हो गया और एलिवेशन एंगल आपका सी हो गया। एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 300 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, अब इस टावर से दूर है वो पॉइंट सी और कितना मीटर दूर है 300 मीटर दूर है। कह रहा है फाइंड द एलिवेशन ऑफ द टावर, आपको एलिवेशन एंगल ये थीटा निकालना है, एंगल सी निकालना है। ध्यान रखना एलिवेशन का मतलब आप नीचे खड़े होकर ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो ध्यान रखो अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज और बची हुई साइड बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का कोई रिलेशन है, बिल्कुल है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी सी, एंड वॉट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज इक्वल टू टेन थीटा, वैल्यू रखिए तो 300√3 अपॉन 300 इज इक्वल टू टेन थीटा, 300 से 300 चला गया तो टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया √3। फिर वही पीछे वाला क्वेश्चन जैसे कि अगर टेन थीटा √3 है तो वहां पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट चेक करिए और चेक करिए कि टेन थीटा कौन से एंगल पर √3 होता है, तो आपको पता चलेगा कि वो 60 डिग्री पर √3 होता है, देयरफॉर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि अगर साइन ए का वैल्यू √3/2 है और कॉस बी का वैल्यू भी √3/2 है तो बताइए ये ए प्लस बी कितना होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि साइन ए √3/2 कौन से एंगल पर होता है, तो साइन 60 डिग्री पर √3/2 होता है, तो साइन 60 इज √3/2, तो ये ए क्या हो गया 60 हो गया। इसी तरह से कॉस बी √3/2 मतलब कॉस थीटा का कौन सा एंगल आपको √3/2 देता है, तो ये 30 डिग्री देता है, तो कॉस 30 इज इक्वल टू √3/2। आपको कह रहा है ए प्लस बी निकाल दो, तो ए प्लस बी कर दो यहां से आप, तो 60 + 30 दैट इज इक्वल टू 90, क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन जो हमें दी हुई हैज इक्वल रूट्स, अगर इक्वेशन के दिए रूट्स हमारे पास इक्वल है इसका मतलब कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू 0 होगा। कहने का मतलब सबसे पहले आप गिवन इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, जनरल फॉर्म लिखिए और वहां से ए बी सी का वैल्यू निकालिए। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू आ गया 9, बी का वैल्यू कितना आ गया, बी का वैल्यू आ गया 6 के, और सी का वैल्यू कितना आ गया, सी का वैल्यू आ गया 4। क्योंकि इक्वल रूट्स दिया है तो इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, तो लिखेंगे कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स का मतलब होता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू 0 है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, और डिस्क्रिमिनेंट बोलते किसको है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। एबीसी का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो बी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू 0, ये हो गया 36k² माइनस का, ये हो गया 4 × 4 = 16 और 16 × 9 इज 144 इज इक्वल टू 0। तो 36k² इज इक्वल टू 144, 36 को नीचे ले आइए तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 144 अपॉन 36, के का स्क्वायर हटाइए जो कि इधर डालकर अंडर रूट कर देगा, तो अंडर रूट ऑफ 144 अपॉन 36, तो के का वैल्यू क्या हो गया, अब क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप रूट हटा रहे हो तो प्लस माइनस 12/6, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के इज ±12/6, फिनिश हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, ये तीन टर्म जो दिए हुए हैं आर इन एपी, अगर आपको ये तीनों के टर्म एपी में दिए हुए हैं पहले से पता है तो पक्की बात है इनका कॉमन डिफरेंस बराबर होगा,
अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि अगर बाद वाली में से पहले वाली माइनस कर दे टर्म तो वो बराबर होनी चाहिए उसके बाद में से पहले वाली टर्म से। तो लिखेंगे इफ गिवन टर्म्स आर इन एपी देन देयर कॉमन डिफरेंस इज सेम। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इस x प्लस टेन में से अगर माइनस कर दिया जाए 2x तो ये बराबर आना चाहिए 3x प्लस टू में से माइनस कर दिया जाए x प्लस टेन। चलिए करिए, तो x प्लस टेन माइनस का 2x इज इक्वल टू 3x प्लस टू, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस एक्स और माइनस टेन। तो चलिए अगला स्टेप देखो, x माइनस टू एक्स इज माइनस एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स इज 2x और प्लस टू माइनस टेन इज माइनस एट। अब x वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं, 10 प्लस एट इज इक्वल टू 2x और ये x जाके हो गया उधर प्लस का, तो 18 इज इक्वल टू 3x और 18 अपॉन 3 इज इक्वल टू x, विच इंप्लाइज x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 6। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जब ये तीनों टर्म आपको ईपी में गिवन है तो x का वैल्यू है 6। क्वेश्चन फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेम अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हूज रूट्स आर माइनस 3 एंड 4। मतलब कह सकते हैं कि एक रूट अगर अल्फा है तो वो माइनस 3 है और अगर दूसरा रूट बीटा है तो वो आपके पास 4 है। अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम करना है, अब उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। लेकिन एक ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रहे हो तो इस इक्वेशन के बाहर एक के जरूर लगा लेना, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे होते तो इक्वल टू में जीरो लिखते, इस के की जरूरत नहीं थी। ध्यान रखना, बिना के बाहर लिखे कुछ करना मत। तो के बाहर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो कर दो माइनस 3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट माइनस 3 इंटू 4 ब्रैकेट बंद के बाहर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना आ गया 1 एक्स और ये कितना आ गया 12। तो फाइनल आंसर कितना आया, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप फ्रेम करना चाह रहे थे वो आ गया आपके पास कुछ ये, के बाहर ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। क्वेश्चन फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ कॉमन सॉल्यूशन फॉर अ पेयर ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस 5 एंड y इज इक्वल टू 6। देखो इसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं, वैसे आंसर आपको दिख ही रहा है लेकिन फिर भी ड्रॉ करके दिखाता हूं। सबसे पहले अपना एक कार्टेशियन प्लेन बनाया, ठीक है, और उसमें इस तरह से सोचिए x माइनस 5 किधर है, तो 1 2 3 4 5, क्योंकि हम नेगेटिव साइड पे हैं तो ये हो गया माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 और माइनस 5, ठीक है। और x इक्वल टू माइनस 5 पर एक लाइन डाल दीजिए, ठीक है, डाल दी ये x इक्वल टू माइनस 5। एग्जाम में आपको ये करने का जरूरत नहीं है, ये तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपका आंसर आपको दिख कैसे रहा है, ठीक है। जब आपको दो लाइन इस तरह से दी हो और आपको कॉमन पॉइंट निकालना है तो देखो कैसे निकलेगा। ऐसे y इक्वल टू 6 की लाइन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, ऑब्वियसली बात है ये y इक्वल टू 6 की लाइन है, तो इस पर भी एक लाइन डाल दीजिए, ठीक है, ये हो गई y इक्वल टू 6 की लाइन। अब कह रहा है कि राइट अ कॉमन सॉल्यूशन, अब कॉमन सॉल्यूशन क्या है, जहां पर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो x पे कितना हो रहा है माइनस 5, y पे कितना हो रहा है 6, तो व्हाट इज द कॉमन सॉल्यूशन, माइनस 5, 6। मैं आपसे कह रहा था ना कि आपको आंसर पहले से ही दिख रहा है इसका, तो डायरेक्टली आंसर क्या हो गया, कॉमन सॉल्यूशन माइनस 5, 6। फिनिश हुआ। नंबर 40 देखते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन कोइंसाइड्स। अगर लीनियर इक्वेशन कोइंसाइड कर रही है तो ये केस कौन सा है, ये केस है आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला, क्योंकि एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है नो सॉल्यूशन और एक होता है इनफाइनाइट। तो याद रखिएगा, कोइंसाइड्स में आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस लगाना है। तो सबसे पहले क्या करें, जनरल फॉर्म लिखें, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। यहां से आपके पास a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू आ गई। कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। तो ये हो गया आपके पास 5/15 इज इक्वल टू 7/21 इज इक्वल टू 3/5।
के, क्योंकि के ही निकालना है तो सिर्फ इतने से ही सॉल्व करके बात बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 7k इज इक्वल टू 21 इंटू 3, 7 को नीचे ले आइए तो k इज इक्वल टू 21 इंटू 3 अपॉन 7, 7 दिया 21, 3 इंटू 3 9, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ k इज 9, फॉर विच द इक्वेशंस कोइंसाइड्स या दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। 41 देखिए, द ग्राफ ऑफ द पॉलीनोमियल px, कट x एक्सिस एट 3 पॉइंट एंड कट y एक्सिस एट 2 पॉइंट, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। तो ध्यान रखना, पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, कट एट वाई एक्सिस पे कितने पॉइंट है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस फाइनल आंसर क्या हो गया आपका 3। देयरफॉर द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल पीएक्स इज 3। ध्यान रखिएगा, जितने पॉइंट एक्स एक्सिस पे कट करेंगे वही आपके नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं कि हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, ऐसे कितने सारे दो डिजिट के नंबर हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं। तो एक चीज तो ध्यान रखने वाली है कि कम से कम दो डिजिट का नंबर है 10 और ज्यादा से ज्यादा है 99, तो नंबर हमारे पास इसी के बीच में होंगे, तो ऐसा पहला 4 से डिवाइड होने वाला दो डिजिट का नंबर चेक करो, आई थिंक 12, ठीक है, और हमें कितने सारे नंबर वो निकालने हैं, कॉमा लगाइए, तो अब तो आप 4 जोड़ते चले जाइए, 16, 20, डॉट 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 डॉट, अब आखिरी नंबर चेक करो जो 99 से पहले आता हो, तो वो नंबर जो 99 से पहले आएगा और 4 से जाएगा वो मेरे ख्याल से हो गया 96। तो देखो ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन मानो अगर 2 की जगह यहां पर 3 डिजिट का नंबर होता तो आइडिया लगाना मुश्किल था। तो देखो उसका तरीका बता देता हूं, 99 को डिवाइड करो 4 से, तो 4 टू जा 8, नीचे बैलेंस बना गया, 9 हमने नीचे कॉपी कर लिया, तो ये हो गया 4, 4 जा 16, कितना बच गया 3। अब ध्यान से देखो ये जो 3 है वो रिमाइंडर में से सीधा माइनस कर दो, तो 99 में से 3 गया 96, तो इस तरह से भी आप अपने नंबर निकाल सकते हो। सीरीज हमारे पास तैयार है, हमें सिर्फ n निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स कह रहा है ना, तो फर्स्ट टर्म 12 हो गई, कॉमन डिफरेंस 16 माइनस 12 4, और लास्ट टर्म कितनी हो गई 96। हर चीज आपके पास है, एन निकालना है। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, सारी वैल्यूज डालिए तो 96 इज इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस 1d इज 4, तो 96 इज इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस का 4, ये हो गया 12 में से आपका गया 4 हो गया 8, 8 प्लस 4n इज इक्वल टू 96, अब ये 8 जाएगा माइनस में, तो 96 माइनस 8 इज इक्वल टू 4n, कितना आएगा, ये आपके पास आ गया 88, तो 88 इज इक्वल टू 4n, 4 चला गया डिवाइड में, तो 88 अपॉन 4 इज इक्वल टू n, और n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया 22। तो कहने का मतलब है कि दो डिजिट के नंबर जो 4 से जाएंगे ऐसे वो कुल कितने हैं, ऐसे कुल है 22। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं कि इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, तो चलो एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं और जिसका सी पर रखेंगे राइट एंगल, तो ए बी सी, सी पर रख दिया राइट एंगल, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी। अब जरा ध्यान से देखो कि इन ट्राइंगल ए बी सी उसके तीनों एंगल का सम कितना होगा, कि ए प्लस बी प्लस सी 180, रीजन क्या हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, जिसमें से सी 90 है तो सी की जगह 90 रख दीजिए, जो कि उधर जाकर कितना हो जाएगा 180 माइनस का 90, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी का वैल्यू आ गया 90, हमें वैल्यू किसका चाहिए, कॉस ए प्लस बी का, तो कॉस ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी 90, तो कॉस 90, एंड व्हाट इज कॉस 90, तो कॉस 90 होता है 0, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी इज 0, मतलब ए प्लस बी 90 आया था, मुझे कॉस ए प्लस बी चाहिए, मतलब कॉस 90 चाहिए, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ कॉस 90 इज 0। नंबर 44 करते हैं, कह रहा है कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। चलिए क्या करें, पहले कॉस कॉस को एक तरफ करते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा, और ये वाला कॉस उधर चला जाएगा, यहां से फिर एक कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉमन आया रूट टू और माइनस का 1, ठीक है, और इस कॉस को इधर ले आइए, तो साइन कॉस नीचे लाइए साइन के, तो साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू रूट टू माइनस 1, नाउ व्हाट इज साइन अपॉन कॉस, दैट इज इक्वल टू 10,
तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, क्योंकि हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, टेन थीटा का वैल्यू तो मांगा है, तो टेन थीटा आ गया रूट टू माइनस वन, ये लीजिए सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन अल्फा इज रूट थ्री बाई टू, कॉस बीटा इज जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा। बहुत आसान क्वेश्चन है कि साइन थीटा रूट थ्री बाई टू कौन से एंगल पर होता है, तो साइन का वो एंगल होता है आपका 60 डिग्री। तो कह सकते हैं कि साइन 60 रूट थ्री बाई टू, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 60 आ गया। अब कॉस बीटा जीरो कब होता है, कॉस बीटा जीरो होता है 90 डिग्री पर, तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्री की, कॉस 90 जीरो। अब आपको क्या कह रहा है कि बीटा माइनस अल्फा निकालना है, तो व्हाट इज योर बीटा 90, व्हाट इज योर अल्फा 60, तो व्हाट इज 90 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये लीजिए आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड विच इज नाइदर अ स्पेड नॉर अ किंग। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखते हैं, लिख दीजिएगा एस डिनोटिंग सैंपल स्पेस एंड एफ डिनोटिंग फेवरेबल आउटकम। सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या होता है कि टोटल 52 कार्ड्स है, तो 52 कार्ड कौन कौन से हैं वो तो सैंपल स्पेस है, अब आप सारे कार्ड तो दिखा नहीं सकते, तो डायरेक्टली एनएस लिखोगे, मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो टोटल कार्ड कितने हो गए आपके पास 52। अब होता है फेवरेबल आउटकम, जिसको एफ से डिनोट करते हैं कि जो आपको कंडीशन दी गई है वो इंडिविजुअली क्या क्या है, तो आप उन्हें अलग अलग लिख तो सकते नहीं, तो उनकी डायरेक्ट गिनती लिखोगे, तो उसको बोलेंगे हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो वो मांग कह रहा है हमसे कि जो पत्ता आप ड्रॉ कर रहे हो ना तो वो स्पेड होना चाहिए और ना ही किंग होने चाहिए, तो चेक करो कितने स्पेड होते हैं, क्योंकि स्पेड एक सूट है और सूट के 13 पत्ते होते हैं, तो ना तो 13 पत्ते और ना ही किंग हो, 4 किंग है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जो आप 13 पत्ते स्पेड के लोगे उसमें से स्पेड वाला किंग तो ऑलरेडी यहां 13 पत्तों में इंक्लूड हो जाएगा, तो अगर आपने 13 पत्ते स्पेड के ले लिए हैं तो किंग तो आपके पास अब सिर्फ 3 ही बचेंगे, तो 13 प्लस 3 टोटल 16 पत्ते आपको क्या कह रहा है लेने ही नहीं है, तो 52 में से आप 16 माइनस कर दो, तो आपके पास टोटल बचे हुए पत्ते रहेंगे कितने 36। फिर समझ लीजिए, स्पेड भी नहीं होना चाहिए, किंग भी नहीं होना चाहिए, जब आपने स्पेड के 13 पत्ते हटाए तो उसमें से स्पेड वाला किंग तो ऑलरेडी यहां आ गया ना, तो टोटल 3 ही किंग तो रह गए आपके पास, तो 13 और 3, और ये 16 पत्ते आपको कह रहा है चाहिए ही नहीं, तो गड्डी में से 16 पत्ते माइनस कर दीजिए, 52 माइनस 16 इज 36। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या सिखाया मैंने आपको, NF अपॉन NS, ये हो गया 36 अपॉन 52। कैंसिल आउट हो रहा है तो बिल्कुल काट लीजिए, 2 1 2 2 8 16, 2 2 4 और 2 6 12, और भी जा रहा है 2 9 18, 2 1 2 2 3 6, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 9 अपॉन 13। क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं कि इन अ लॉटरी देयर आर 10 prizes एंड 25 blank। 25 blank का मतलब कि उस पर प्राइज निकलेगा नहीं, कि व्हाट इज, फिर निकालना क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज। सबसे पहले आप एनएस करेंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मतलब कि टोटल कितनी टिक्के बिकेंगी, तो 10 prize वाली बिकेंगी और 25 blank वाली बिकेंगी, तो बिकेंगी तो सारी, तो ये टोटल मिला के एनएस कितना हो गया, एस मतलब सैंपल स्पेस, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब आपको निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब ये फेवरेबल आउटकम क्या होता है कि जो कंडीशन हमसे मांगी गई होती है उसके टोटल नंबर, हमसे क्या मांगा है प्राइस निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो प्राइस पक्की बात 10 पे ही निकलेगा, तो एन ऑफ एफ कितना हो गया, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया 10। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमने आपको क्या सिखाया है, एन एफ अपॉन NS, तो NF है 10, NS है 35, काटिए 5 2 10, 5 7 35, तो हमारा जो required probability आया वो आया 2/7। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब पी ऑफ ई 0.37 है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मतलब इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो लॉजिक समझिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, नॉट एन इवेंट को इसे बार लगाकर भी दिखाते हैं, इज इक्वल टू 1, मतलब पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नॉट, इसे नॉट बोलते हैं, इज इक्वल टू 1। आपको पी ऑफ ई कितना दिया हुआ है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना दिया हुआ है 0.37, और आपको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का, नॉट एन इवेंट का, इज इक्वल टू 1। इसको इधर ले गए तो पी ऑफ नॉट ई का वैल्यू आ गया
वन माइनस का 0.37 दैट इज इक्वल टू 0.63. देयरफोर द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज 0.63. 49 देखिए कि ड्रॉ एनी ग्राफ विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कि एक ऐसी लाइन डालिए, एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ कीजिए जो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल हो. तो उसके लिए पहले मुझे आपको एक कार्टेशियन प्लेन बना के दिखाना पड़ेगा, अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के दिखाना पड़ेगा जिस पर एक्स और वाई एक्सिस डिनोट होते हैं. ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई और ये हो गया वाई डैश. तो हमसे कह रहा है एक ऐसी लाइन डालिए, एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ कीजिए जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो. अब ये तो आपका एक्स एक्सिस हो गया, तो पक्की बात कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के ऊपर हो या कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के नीचे हो, सारी एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी. तो देखो जैसे ये वाई इक्वल टू वन है, ये वाई इक्वल टू टू है, ये वाई इक्वल टू थ्री है, ये वाई इक्वल टू फोर है, ऐसे यहां पर y इक्वल टू माइनस वन, y इज इक्वल टू माइनस टू, y इज इक्वल टू माइनस थ्री, ये जितनी भी लाइन आएंगी ये सब क्या होंगी, ये x एक्सिस के पैरल होंगी. तो यहां अगर आप कोई लाइन डाल दें तो देखो वो x एक्सिस के पैरल है, या यहां डाल दें या यहां डाल दें, कहीं पर भी डाल दें, इसका मतलब कोई भी एक ऐसी लाइन जो y इज इक्वल टू में होगी वो हमेशा x एक्सिस के पैरल होगी. तो यहां पर आप कितने भी सारे नाम लिख सकते हो, y इज इक्वल टू वन, y इज इक्वल टू टू, y इज इक्वल टू माइनस थ्री, y इज इक्वल टू फोर, कुछ भी लिख दो यहां पर y इज इक्वल टू करके, वो सारी लाइन हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगी. और अगर मैं आपसे ये कहूं कि ऐसी कितनी सारी लाइन डाल सकते हैं, ऐसे कितने सारे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं जो x एक्सिस के पैरेलल होंगे, तो जवाब कितना होगा, आप ऐसी कितनी सारी लाइन डाल सकते हो, इनफाइनाइट लाइंस. ये लीजिए, हो गया क्वेश्चन. की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल. तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए, मतलब जीरोस नहीं निकालने, कुल कितने जीरोस होंगे ये बताना है. तो एक सिंपल सा आंसर है कि x की जो हाईएस्ट पावर होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आएंगे. अब आप देख सकते हो यहां पर x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, वो हो गए 2 आपके. ये लीजिए 50 क्वेश्चंस आपके फिनिश हुए. अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन का डाउट है उसका डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा. तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं.